एक बार जंगल में हाथी को अपनी शक्ति पर बहुत ज़्यादा घमंड था। छोटे जानवरों को वह अपने सामने बिल्कुल कमज़ोर समझता। वह धम धम करके चलता था, जिससे आसपास के छोटे प्राणी डर जाते थे। वह चलते समय यह भी नहीं देखता कि पांव के नीचे क्या आ रहा है। कितने ही छोटे कीड़े और जानवर उसके पांव के नीचे पिचककर मर जाते थे। एक दिन बूढ़े समझदार मेंढक ने हाथी को प्यार से समझाया। अरे भाई, तुम रोज यहाँ पानी पीने आते हो और हमारे कई भाइयों को चोट पहुँचाते हो, तुम नीचे देखकर क्यों नहीं चलते? हाथी मियाँ, हम छोटे जरूर हैं, लेकिन हमें भी चोट लगती है। थोड़ा आराम से चला करो कि हमारे भाई कोई मरे नहीं। मेंढक की बात सुनकर हाथी को गुस्सा आ गया। हाथी ने चिंघाड़कर कहा, तुम जैसे कीड़े मकोड़ों का ध्यान रखना मेरे बस की बात नहीं। तुम तो मेरे नाखून के बराबर हो, दो चार मर भी जाएंगे तो मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा। बेचारा बूढ़ा मेंढक उस घमंडी हाथी से क्या कहता, वह डर के मारे चुप हो गया। फिर मेंढक ने आसपास के छोटे जानवरों से बात की। पास के एक बिल में कुछ चूहे रहते थे। मेंढक ने चूहों से अपनी समस्या कही। एक चूहा बोला, मेंढक भाई, हाथी ने सच ही बोला है। वैसे तो हम सच में ही हाथी के नाखून के बराबर ही हैं, लेकिन हम सब मिल जाएं तो बड़े से बड़े हाथी का मुकाबला कर सकते हैं। चूहे पोखर के आसपास के मच्छरों को जानते थे। उन्होंने मच्छरों से बात की तो वह भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए। सबने मिलकर एक सेना तैयार की। अगले दिन जब हाथी आया तो सब पहले से तैयार थे। जैसे ही हाथी ने अपनी सूंड नीचे की, एक चूहा उसकी सूंड से चिपक गया। हाथी चौंक गया। तभी दूसरा चूहा सूंड पर उछलकर सीधा आंखों तक पहुंच गया और काटने लगा। हाथी चिल्लाया और तभी मच्छरों की पूरी सेना उस पर टूट पड़ी। हाथी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह भागने लगा और मच्छर उसके साथ साथ उसके पीछे उड़े। वे तब तक उसे काटते रहे जब तक कि वह आगे भाग नहीं गया। उस दिन के बाद वह कभी वहां नहीं आया। इस तरह छोटे छोटे जानवरों ने मिलकर एक विशाल घमंडी हाथी का घमंड तोड़ दिया और उसे हराकर भगा दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने से छोटों को कम नहीं समझना चाहिए।